एक जान ही हम तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। सुबह के 7 बजे जैसे ही ये गीत वैसुरे रूप से सुनाई दिए, सुधा समझ गए उसके पति देव मोहन उसे मनाने की कोशिश में किचन में चाय नाश्ता बनाने में लगी हैं। असल में सुधा थी भी गुस्सा और आखिर होती भी क्यों नहीं। मोहन ने वादा किया था नई मूवी दिखाने का और मोबाइल से टिकट भी बुक किए थे। रात का डिनर का प्रोग्राम भी बाहर का ही था, मगर शाम से लगातार वो मोहन को फ़ोन कर रही थी कि वो तैयार है, मगर मोहन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुधा इंतज़ार करती रही मगर ना तो मोहन आया ना ही कोई खबर। रात के 2 बजे तक वो सोई नहीं थी, शायद उसके बाद मोहन आया होगा। घर की दूसरी चाबी उसके पास रहती है, उसी से अंदर आया होगा। मगर मैं भी आज पूरा दिन रूठी रहूँगी और खाना तो दूर कुछ भी नहीं बनाऊँगी, कुछ यही चल रहा था दिमाग में। अभी तक रूठी हो सुधा, गुस्सा छोड़ो, लो चाय और भजिया खाओ, तुम्हारे फेवरेट, मोहन बोला। मुझे नहीं खाना और ना ही कोई बात करनी है तुमसे, समझे, सुधा गुस्से में बोली। मोहन अभी सुधा को मना ही रहा था कि दरवाजे पर घंटी बजी, देखा तो एक 30 साल की महिला एक बच्ची को लिए खड़ी थी। आते ही मोहन के पैरों में गिर गई और बोली, आप देवता हैं डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया, मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, लोग सड़कों पर खड़े वीडियो बनाते रहे, मगर आपने इंसानियत दिखाकर उन्हें सही वक्त तक अस्पताल पहुंचाया, उनका इलाज किया और मेरे आने तक वहीं रहकर उनके साथ रहे। बड़ी मुश्किल से अस्पताल से आपका पता मिला, आप देवता हैं डॉक्टर भैया जी, मोहन ने उसे चुप कराते कहा। यह मेरा फर्ज था और यदि मैं नहीं तो कोई और मदद करता। खैर आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, और समझा बुझा कर वापस भेज दिया। सुधा ने देखा तो बोली, मुझे आपकी ये सेवा भाव करने की आदत अच्छी लगती है, किसी की जान से बढ़कर कोई डिनर या मूवी नहीं हो सकती, मगर यार कम से कम फ़ोन तो कर देते। मोहन वहाँ स्थिति ही कुछ ऐसी थी, लोगों के हुजूम था, सब वीडियो बनाकर फेसबुक व्हाट्सएप कर रहे थे। मैं उसे उठाकर गाड़ी में अस्पताल लाया और उसके घर वालों को जानकारी देने में भूल गया। अधिक फ़ोन करने से बैटरी डेड हो गई और ये महिला किसी फैक्ट्री में काम करती थी। बेचारी घर लौटी तो पता चलने कोई यातायात का साधन नहीं होने पर पैदल अस्पताल पहुंची। तब तक मैं वहीं रुका रहा। खैर मैं आपका अपराधी हूं तो आज लंच डिनर सब मेरे साथ होगा। धन्यवाद।